देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी इंडिगो का मुनाफा वित्त वर्ष 2019 की पहली तिमाही में 97% नीचे गिर गया। ईंधन की कीमत में 54% की बढ़त, रुपए का कमजोर होना, विमानों के पुराने हो जाने के कारण ज्यादा मेंटेनेंस का खर्च इंडिगो के आर्थिक नुकसान की मुख्य वजह है। देश की टॉप एयरलाइंस में शामिल इंडिगो को चलाने वाली इंटरग्लोब एविएशन के जून क्वार्टर के नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट आई है और ये 27,79,00,000 रुपए रह गया। पिछले साल के इसी क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 811,15,00,000 रुपए का था। जून तिमाही में पिछले जून तिमाही से ऑपरेटिंग इनकम के 13% बढ़ने के बावजूद कुल मुनाफे में 97% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का प्रॉफिट गिरने के पीछे फ्यूल और मेंटेनेंस का खर्च बढ़ना और फॉरेन एक्सचेंज में नुकसान जैसे कारण हैं। जून क्वार्टर में इंडिगो की फ्यूल कॉस्ट 54% बढ़कर 2,715,60,00,000 रुपए पर पहुंच गई। इंडिगो को अप्रैल से जून के दौरान 246 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हुआ, जबकि पिछले वर्ष के इसी क्वार्टर में इसे 6 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज प्रॉफिट मिला था। मार्केट शेयर के लिहाज से ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। ये 14 क्वार्टर से अपने रिजल्ट की घोषणा कर रही है और अभी तक किसी भी क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ रुपए से कम नहीं रहा था। एयरलाइन का मेंटेनेंस खर्च बढ़ने का कारण इसके बहुत से विमानों का 8 वर्ष से ज्यादा पुराना होना है। विमानों के 8 वर्ष पूरा होने पर उनका ओवरऑल मेंटेनेंस कराना पड़ता है, जिस पर बड़ा खर्च होता है। इंडिगो ने मेंटेनेंस के कुल खर्च की जानकारी नहीं दी है। एयरलाइन के अंतरिम CEO राहुल भाटिया ने कहा कि देश की एविएशन इंडस्ट्री में प्राइसिंग को लेकर माहौल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है और अन्य विमान कंपनियों को भी इन कारणों से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सम्राट शर्मा, Q News।